और एंड ऑपरेटर के बारे में थोड़ा मैंने आपको बताना है, लास्ट टाइम थोड़ा सा भूल गया मैं बताना, इसके बारे में डिटेल से थोड़ी बात करनी थी। और फिर एक कहानी है डीप कॉपी शेलो कॉपी की। खैर पहले शशके वाले लफ्ज़ नहीं बताऊंगा, पहले आपको नॉर्मल बातें बताऊंगा, फिर उसको शशके वाले लफ्ज़ों में आपको बयान करूंगा। अच्छा जी, सबसे पहली पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को एक चीज़ का पता होना चाहिए, और वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें, अगर तो मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, लेट सपोज मैं पहले आपसे पूछ लेता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 5 और इंट बी इज इक्वल टू ए, इसका क्या मतलब होता है? सर इसका आपकी मतलब स्क्रीन भी शो हो रही है। ओहो सॉरी 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 सॉरी, सर ये शेयर बी भी 5 ही हो जाएगा। एक मिनट, अब स्क्रीन शो हो रही है? ये सर अब ठीक है, जी अगर सर ए और बी वेरिएबल हैं तो क्या होगा, ए की वैल्यू 5 है और बी जो है ना, ये दो मेमोरी बनेगी, एक ए की मेमोरी होगी और एक बी की होगी। आप में से कोई बता सकता है कि अगर यहाँ में मैं एंड लिखता हूँ इसका मतलब क्या होता है? सर वो एड्रेस शो उसका सेव कर लेगा, एड्रेस करेगा। किसका एड्रेस वैसे सेव भी सर करेगा? मेरा वो नेट का इशू चल रहा था तो अटेंडेंस के बेटा वक्त मैं अटेंडेंस नहीं नहीं था, ली, तो आपने अटेंडेंस मैंने अटेंडेंस ली ही नहीं, लगवा अटेंडेंस ली ही नहीं है मैंने अभी तक। अच्छा अभी। नहीं ली बेटा। अच्छा तो बताएं जरा कि इसका मतलब क्या होता है? ये अभी जो एड्रेस वाला बता रहा था वो तो गलत बता रहा है, उसके अलावा किसी को पता है कि इसका मतलब क्या होता है? नहीं? ओके, देखो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहली पहली चीज आपको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आपने इसको फंक्शंस में यूज किया हुआ है, फंक्शन में पास बाय रेफरेंस बड़ा ही पढ़ा होगा आपने कि पास बाय रेफरेंस, सबको पता है कि पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू में क्या फर्क है? यस सर। हाँ ये पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में आपको पता है ना फर्क क्या होता है? जी सर। यस सर। ठीक हो गया। यस ओके सर। अच्छा, यस सर। बट आपने ना उन चीजों को रट्टा लगा दिया है, हजम नहीं हुई लगता है आपको चीजें, अगर वो पता होता तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा अगर मैं यहाँ पे एंड नहीं लिखता ना, इसका मतलब है कि मैं ए की वैल्यू 5 कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू बी में असाइन कर रहा हूँ, ये भी 5 हो रही है, ये दो अलग अलग मेमोरी बनती है। एंड का मतलब पता है क्या? एंड का मतलब है कि जैसे फर्ज करें आपका नाम अगर है, कोई भी नाम आपका है, फर्ज करें मोहम्मद अली है, तो घर में आपको मोहम्मद अली नहीं बुलाते, घर में आपको अली बुलाते होंगे, चिंटू करके बुलाते होंगे, कोई और नाम करके बुलाते होंगे, ऐसे होता है ना, निकनेम होता है हर बंदे का। इसी तरह से आपके पास एक वेरिएबल का निकनेम भी हो सकता है। आप चाहते हैं कि एक वेरिएबल का, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में, अगर हम थोड़ा सा शशके वाले लफ्ज में अगर कहें तो उसको कहते हैं एलियासिंग। एलियासिंग का मतलब होता है कि एक बंदे का एलियस, मतलब उसी का कॉपी। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं सी प्लस प्लस के अंदर कि एक मेमोरी के दो नाम हो, ठीक है ना, जब हम लिखते हैं ना इंट ए इज इक्वल टू 5, इसका मतलब असल में क्या होता है? इसका असल में मतलब होता है कि एक मेमोरी है जिसका नाम है ए। ठीक है, अच्छा अब जब हमने बी, जब हमने इस तरह से लिखा ना एंड बी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब है अब मेमोरी नहीं बनेगी, नई मेमोरी नहीं बनेगी, ए होगा बट ए का दूसरा नाम अब बी है, यहाँ पे ए का जो दूसरा नाम है ना वो बी है। ठीक है, अब अगर मैं फर्ज करें यहां पे लिखता हूं सी आउट बी, तो असल में मैं ए को, ए की मेमोरी को ही एक्सेस कर रहा हूं, इसका मतलब, इसलिए मैं अगर बी में कोई चेंजिंग करता हूं ना तो ए में भी चेंजिंग होती है। क्यों चेंजिंग होती है? क्योंकि ये दोनों ए की मेमोरी के दो नाम है, ये पॉइंटर नहीं है, यहां पे पॉइंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट एक मेमोरी के दो नाम। पॉइंटर का मतलब ये नहीं होता एक मेमोरी के दो नाम, पॉइंटर का मतलब है कि पॉइंटर इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, बट एंड का मतलब क्या है कि ये, इसे हम कहते हैं रेफरेंस ऑपरेटर, कि हमने इस मेमोरी का एक और रेफरेंस बना दिया है। जब हम लिखते हैं ना इंट ए इज इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि हमने इस मेमोरी का नाम दिया है ए, बट अगर हमने इसका एंड बी लिख दिया है, इसका मतलब है कि हम इस मेमोरी को दूसरा नाम दे रहे हैं। तो आपने फंक्शन बनाए थे अपने पीएफ के अंदर, के एक फंक्शन है उसके अंदर आप लिखते हैं इंट ए कामा इंट बी, ठीक है, और इसके अंदर फर्ज करें आप कोई चेंजिंग करते हैं, आप लेट सपोज ए की वैल्यू को 5 6 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, और बी की वैल्यू को लेट सपोज 8 कर देते हैं, तो क्या मेन फंक्शन में कोई चेंजिंग आएगी? अगर मेन फंक्शन में, ये फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ, नो ठीक है, सर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर एक्स इज इक्वल टू 10 20 और लेट सपोज वाई इज इक्वल टू लेट सपोज 70, ठीक
ठीक है, और मैं इसको फंक्शन में पास कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है, और मैं इसको सी आउट कर रहा हूँ, ठीक है, सी आउट एक्स और सी आउट वाई, तो क्या एक्स और वाई की वैल्यू क्या प्रिंट होंगी, एक्स और वाई की वैल्यू 20 और 70 ही प्रिंट होंगी, क्योंकि ये पास बाय वैल्यू है। पास बाय वैल्यू का मतलब क्या है कि इस फंक्शन के, ये फंक्शन है ना, अच्छा मेमोरी है ना, मेमोरी जब तक प्रोग्राम चलता है ना तब तक रहती है, बट फंक्शन की मेमोरी कब तक रहती है, जब तक उसकी कॉल नहीं चलती, जैसे ही कॉल खत्म हो गई उस फंक्शन की मेमोरी रिमूव हो जाती है। अब ये कुछ वेरिएबल बनेंगे, एक ए और बी बनेगा, जैसे ये असाइनमेंट हो जाएगी, ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, ये मेमोरी से रिमूव हो जाएंगे, ये मेमोरी खत्म हो जाएगी, ए और बी की मेमोरी खत्म हो जाएगी। बट जब हम इसको लिखते हैं यहाँ पे एंड, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है कि हम नई मेमोरी नहीं बना रहे, हम ए और बी की नई मेमोरी नहीं बनाते। नई मेमोरी क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि अब हमें नई मेमोरी बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमने असल में करना ये है कि हमने इसके दूसरे नाम ये दे दिए हैं। अब अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि मैं एक्स का, एक्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है वाई की बात कर रहा हूँ। तो आप समझें कि ये बंदे का ओरिजिनल नाम है और ये उसका निकनेम है, जो उसके घर पे जो है ना बुलाते हैं लोग। अब अगर हम कोई चेंजिंग करेंगे ना, तो एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5, और वाई की वैल्यू 8 होगी। क्यों? क्योंकि अब हमने बाय रेफरेंस इसको चेंज कर दिया है। तो बाय रेफरेंस का असल में मतलब, अगर आप उसकी कोई आसान उर्दू में या आसान इंग्लिश में अगर आप इसकी ट्रांसलेशन करें, तो इसका मतलब है कि एक मेमोरी के मल्टीपल नाम इज कॉल्ड रेफरेंस, ठीक है ना। रेफरेंस का असल में मतलब ये होता है, आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं। ये बात समझ में आ रही है कि क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है? ये डिफरेंट है पॉइंटर से, ठीक है। पॉइंटर का मतलब है उस मेमोरी को पॉइंट करे, अपने अंदर उस मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करे। पर इसका मतलब क्या है कि अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहाँ पे इस बी की और ए की मेमोरी क्रिएट होगी, आप कहेंगे सर नहीं, मेमोरी अलग से क्रिएट नहीं होगी, सिर्फ उस मेमोरी का दूसरा नाम होगा। मतलब ये अगर एक्स, ये लेट सपोज एक्स और वाई बने हुए ना, तो एक्स और वाई जो है ना, इसके अब दूसरे नाम होंगे, इसका बी नाम होगा दूसरा और इसका दूसरा नाम होगा ए, बस। बट इसके लिए मेमोरी अलग से नहीं बनेगी। यहाँ तक क्लियर है आपको? जी, मतलब के अंदर भी अलग से मेमोरी नहीं बन रही होगी। जी, अब फंक्शन के अंदर कोई अलग से मेमोरी नहीं बनेगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपने मतलब कहने की ट्राई की, फिर आप उसको कवर कर गई। पॉइंट नहीं कर रहा ये, ठीक है, पॉइंटर का नाम नहीं, ये पॉइंटर नहीं है, ठीक है ना, ये रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब है निकनेम, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कोड पे। अब जो मैंने आपको पॉइंटर सेंटर पढ़ाए थे और सारी चीजें पढ़ाई थी ना, वो क्यों पढ़ाई थी, अब आ जाते हैं उस पे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ, ये फिलहाल ये इसको कोड नीचे वाले को छोड़ें, मैंने आपको स्टूडेंट की क्लास बनवाई थी एक, मैं उसी क्लास को, क्योंकि मेरे पास पढ़ी हुई है, तो वो क्लास जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसकी हेडर फाइल देख लेते हैं। इसमें हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, अब मैंने इसको पहले अरे बनाया था, अब इसको मैंने पॉइंटर बना दिए। खैर, इसके इम्प्लीमेंटेशन मैंने पूरी लिखी नहीं है अभी, बट ये है कि मैंने इसको पॉइंटर बना दिया, क्योंकि अब आपको पॉइंटर का पता है, तो पॉइंटर मैंने इनको बना दिया कैरेक्टर टाइप के। और फ्लोट जो है ना, ये मार्क्स थे, ये भी अरे थी, इसको भी मैंने पॉइंटर बना दिया। एक कॉपी का फंक्शन था जिसमें हम कॉपी पेस्ट करवा रहे थे, ठीक है। बहरहाल, उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसके अंदर ये चारों पैरामीटर को मैं सेट कर रहा था, ठीक है। वैसे तो ये साइज जो है ना, ये भी हमें एक इधर वेरिएबल एट्रीब्यूट लिखना चाहिए, बट चलें इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं। फिर उसके सेटर गेटर बनाए थे और एक फाइंड एवरेज का फंक्शन बनाया था, ठीक है। अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाएं, तो मैंने फिलहाल क्या किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है कि ये अरे है, ठीक है, ये एक अरे है, ठीक है, एक मिनट। अब ये एक अरे है और ये भी एक अरे है। मैंने क्या किया है, पॉइंटर को अरे की तरफ पॉइंट करवा दिया है। इसका मतलब क्या है कि एफ जिस अरे को जिस तरफ पॉइंट कर रहा है ना, असल में मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात कही थी कि मुझे याद करवाना, वो आपने मुझे याद नहीं करवाई आज, बट खैर मैं बता देता हूँ। जब आप लिखते हैं ना अरे, लिखते हैं इंट अरे, असल मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इंट कॉन्स्ट इज इक्वल टू न्यू इंट, फिर जो भी साइज आप इधर लिखोगे वो साइज इधर आ जाएगी। अगर 5 लिखा है तो 5 इधर आ जाएगा। अरे इज एन कॉन्स्टेंट पॉइंटर, अरे इज एन कॉन्स्टेंट पॉइंटर। कॉन्स्टेंट पॉइंटर का मतलब क्या है कि अरे के अंदर जो है, ये जो पॉइंटर है अरे का, ये किसी और को पॉइंट नहीं कर सकता। असल में ये मैं असल में जो बात लिखी है ना मैंने इधर,
ये असल में मैंने उसकी थोड़ी सी डिटेल बताई है अरे की, ठीक है ना। अरे जब आप लिखते हो ना, ये बैकएंड पे असल में ये ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। इसका मतलब असल में ये होता है, ठीक है। अरे इज इन पॉइंटर, ठीक है। अरे जब आप ये, इसको कहते हैं स्टैटिक अरे। स्टैटिक अरे का मतलब क्या होता है कि इसकी साइज हमेशा फिक्स होती है। तो जब आप अरे इस तरह से लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक कांस्टेंट टाइप अरे। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कांस्टेंट अरे का मतलब क्या है, शाबाश बताएगा कौन? कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या है? सर वो जो चेंज नहीं होता, अगर उसको एक क्या साइज चेंज नहीं हमने दे होता? दी तो, सर अगर क्या उसको चेंज? साइज हमने 5 दे दिया हुआ है तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि अब ये हमेशा हम। ऐसे ही रहेगा, ये सिर्फ इस मेमोरी को पॉइंट कर सकता है, इसके अलावा आप इसको किसी और चीज को पॉइंट नहीं करवा सकते। जी अब सर, इसकी साइज हमेशा 5 ही रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉइंटर है, ठीक है ना। एक मैंने आपको बताया था पॉइंट कांस्टेंट टू ए वैल्यू, पॉइंटर टू ए कांस्टेंट वैल्यू, उसमें हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बट इस मेमोरी को, अब पॉइंटर सिर्फ इसी मेमोरी को पॉइंट करेगा, किसी और मेमोरी को पॉइंट नहीं कर सकता, ठीक है। अरे का मतलब ये होता है। तो खैर मैंने क्या किया है, मैंने जो है ना ये क्योंकि बेस एड्रेस होता है, ये मैंने एफ नेम के अंदर रख दिया। एफ नेम क्या था हमारे पास? एक पॉइंटर था, ठीक है। एल नेम भी हमारे पास एक पॉइंटर है, उसमें भी रखवा दिया है। मार्क्स जो इधर आ रहे थे वो भी मैंने इसमें रखवा दिए, ठीक है। ये साइज की फिलहाल जरूरत तो नहीं है। अच्छा ऐसे किया है, अच्छा हो गया डन, ठीक है। अच्छा अब एक छोटी सी पहले मैं बात बताता हूँ, फिर मैं आपको उस टॉपिक पे वापस ले आता हूँ। एक चीज है, लेट सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, बल्कि ये अगर मैंने लिखा हुआ है तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सर एक क्वेश्चन था जी जी बताएं। सर। ये अभी बता रहे थे आप जो स्टैटिक अरे है वो पॉइंटर के थ्रू, कॉन्स्ट पॉइंटर के थ्रू बनी होती है, पॉइंटर कॉन्स के थ्रू। सर इसका क्या मतलब है कि जो स्टैटिक है वो भी डायनामिक से मिलके बनी है? देखो डायनामिक का मतलब क्या होता है, ऐसी अरे जो चेंज हो सके। बिल्कुल, देखो आप लोगों लेकिन ने ना हमने न्यू कॉन्स एक एक डायनामिक एक सुनाई एक है। एक एक मिनट एक मिनट आप लोगों ने ना चीजों पे असल में रट्टा लगाया होता है। रट्टा लगाया से मुराद है कि आपने जहां भी न्यू वर्ड देखना है आपने कहना है सर ये डायनामिक है। नहीं, आपने देखना है कि एक अरे जो है जिसकी साइज को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, दैट इज डायनामिक अरे, ठीक है। न्यू कीवर्ड का डायनामिक से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा अब अगर मैं कहता हूं कि चले मैंने न्यू कीवर्ड तो लगा दिया है बट पॉइंटर ही कंस्ट्रक्ट बना दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अब उसको कोई और न्यू असाइन नहीं कर सकता, कोई और नई जी मेमोरी असाइन नहीं कर सकता, तो ये डायनामिक कैसे हुई? बात समझ रहे हैं? तो न्यू कीवर्ड का डायनामिक से कोई ताल्लुक नहीं है, बट आपकी ऐसी अरे जिसका साइज बढ़ ना सके, दैट इज जी कॉल्ड स्टैटिक अरे। और डायनामिक अरे क्या है? ऐसी अरे जिसका साइज बढ़ सके। अब उसमें न्यू कीवर्ड का कोई रोल नहीं है, इसमें रोल है कॉन्स्टेंट कीवर्ड का। अगर पॉइंटर कांस्टेंट है देन दैट इज स्टैटिक अरे, अगर पॉइंटर जो है वो आपका कांस्टेंट नहीं है दैट इज डायनेमिक अरे। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब असल में आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ उन चीजों को थोड़ा सा जो है ना आप कह दें ना कि मतलब बंदा तैयार है, मैं थोड़ा सा बस पाउडर शाउडर लगा रहा हूँ चीजों को। सर सिंपली सिंपल मीनिंग यही है ना कि हमने एक डायनामिक बनाई थी और उसको हमने कॉन्स्ट कर दिया, अब वो स्टैटिक एक तरह का काम कर बट रही अगेन है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि हमने डायनेमिक बनाई थी, ठीक है, जी आप ये बात अच्छा कर बिल्कुल ठीक सही रहे है, हैं, बट आप उसे कह नहीं सकते कि आपने डायनामिसिटी, मैं अरे की आपकी बात समझ डायनामिसिटी जो है गया। ना, अरे की डायनामिसिटी न्यू कीवर्ड से साबित नहीं होती, अरे की नहीं डायनामिसिटी साबित होती है कि पॉइंटर जो है ना वो कांस्टेंट है या नहीं है। बात समझ रहे हैं? ठीक बहरहाल है, चलें, ये समझ में मैं आ गई है, समझ फिर गया। हम इस ठीक है बात ठीक को गोल फोल करने का फायदा नहीं है। अच्छा ये मैंने एक स्टूडेंट का अरे बना दिया, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, आपको पता है ये क्या करेगा? ये एक मुझे जो है ना स्टूडेंट्स की जो है वो जो भी मुझे अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी, मैंने लेट सपोज एवरेज जो है ना फाइंड करनी है इसकी, तो वो फाइंड कर देगा। इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए और आई थिंक होगा भी नहीं। फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, इसमें किसी को तो इशू तो नहीं है कि मैंने ये क्या किया है। मैंने एक फ्लोट की अरे बनाई है, ये मार्क्स की अरे थी असल में, इसकी साइज मैंने 3 रखी है तो, और अरे जो है वो भेजी है और मैं इसकी एवरेज फाइंड कर रहा हूँ, तो ये जाहिर सी बात है ये 3 नंबर जो होंगे उसकी मुझे ये एवरेज फाइंड करके दे देगा। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है, ये हमने लास्ट क्लास में भी वैसे फाइंड एवरेज का फंक्शन जो है ना किया है। अगेन जो लोग मेरे लेक्चर नहीं ले पाए हैं वो मेरी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, लास्ट वाला लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं हुआ वो कर दूंगा, बाकी सारे उधर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये एवरेज लेके इसने प्रिंट कर दिया, इसमें किसी को इशू हो तो मुझे बताए ताकि मैं इसको रिपीट कर दूँ अगर किसी को इशू हो तो। यहाँ तक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसका फंक्शन कॉल किया है, बस। अच्छा अब इसमें अगर इशू नहीं है आपको तो इसको नाम देते हैं S1। मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ,
इसको हम कहते हैं स्टूडेंट S2 is equal to S1. अब आप मुझे बताएंगे कि अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? क्या यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्या यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्या कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इधर? क्योंकि आपको पता है ना, ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा ना जी। शाबाश, ट्राई करें, गलत बताएं मुझे, शाबाश जी। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अच्छा चलें ठीक है। और कोई बच्चा? जी जी शाबाश। कॉपी हो सकता है मेरे ख्याल से। पैरामीटर कॉपी क्या मतलब आप कह रहे हैं? कुछ नहीं सर। अच्छा ओके अच्छा, खैर आप लोग कह रहे हैं पैरामीटर, क्योंकि इसके अलावा तो कोई आपने पढ़ा भी नहीं है। असल में यहाँ पे एक न्यू किस्म का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, इसको हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर भला क्या है? जब आप एक, जैसे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या था, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर आपको मैंने दिखाया था कि आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर हो, ये पैरामीटर्स हैं डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फिर हमने ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर की भी बात की थी लास्ट क्लास में। अच्छा, अगर आपके, अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, असल में ये, इसको मैं ऐसे लिखूं या मैं इसको ऐसे लिखूं, बात एक ही है। इसको मैं इस तरह से लिखूं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके पैरामीटर में क्या भेज रहा हूँ, S1 भेज रहा हूँ। और S1 क्या है? S1 एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या कि हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसका टाइप क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा, जिसका टाइप स्टूडेंट होगा। मतलब क्या? मतलब ये कि आपको अब एक काम करना है, और वो काम ये है कि एक नया कंस्ट्रक्टर बनाना है, क्योंकि ऐसा कंस्ट्रक्टर तो बना ही नहीं हुआ ना। इसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप होगा स्टूडेंट, ठीक है? और इधर कोई ऑब्जेक्ट लेट पर बना दिया हमने, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट क्यों बना? क्योंकि यहाँ से पैरामीटर कौन सा जा रहा है? यहाँ पे कोई इंटीजर जा रहा है? नहीं। कोई फ्लोट? नहीं। कोई डबल? नहीं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, और उसके टाइप क्या है? स्टूडेंट, ठीक है? तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिसको हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मुराद है कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसका जो पैरामीटर हो ना, वो भी वही ऑब्जेक्ट ही हो, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट ही हो, ठीक है? अच्छा, यहां तक सबको समझ आई बात की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। इसमें आपको क्या चीज समझ नहीं आई? शब्द ऐसे ना, मतलब ऐसे ही ना कहिएगा सर, इसको रिपीट कर दें, मतलब आपको क्या चीज समझ में नहीं आई बात, वो बताएं जरा। क्या ये जो आपने ऑब्जेक्ट का बताया कि देखो आपको सिंपल पैरामीटर के तौर पे आ जाए। सिंपल है। देखो सिंपल है, अगर मैं आपको कहता हूं कि एक फंक्शन है जिसके अंदर दो पैरामीटर है, इंट ए और इंट बी, बट मैं जो मेन के अंदर कॉलिंग करता हूं ना, वो लिखता हूं फन और टू। आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा फंक्शन कोई कॉल होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक पैरामीटर वाला फंक्शन तो हमने बनाया ही नहीं है, ये तो दो पैरामीटर वाला फंक्शन है। बात समझ में आ रही है ना? इसी तरह से, एग्जैक्टली इसी तरह से, अभी हमने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया, इसके लिए हमने क्या भेजे हैं? पैरामीटर्स भेजे हैं, तो ऑटोमेटिकली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अगर फर्ज करें मैंने ये किया, अच्छा वैसे आप में से मुझे कोई बताएगा कि अगर मैंने इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है, बट यहाँ पे मैंने लिखा है S2, तो इसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? S2 के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? शाबाश सर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट यहाँ पे हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है, तो आप मुझे कहेंगे सर जो कंप्यूटर बनाएगा वो, देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस नहीं करना। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता, ठीक है ना? अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो कंप्यूटर वाला कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, बट अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर बना लिया ना, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जिसमें कोई पैरामीटर ना हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई नहीं बनाया, तो ये आपको एरर देगा। बट अगर मैं ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हटा दूं ना अंदर से, फिर ये आपको एरर नहीं देगा। फिर ये जो कंप्यूटर वाला कंस्ट्रक्टर है ना, मतलब कंप्यूटर खुद कंस्ट्रक्टर कब बनाता है? जब कोई भी कंस्ट्रक्टर मौजूद ना हो। बट अगर
आपने एक भी कंस्ट्रक्टर बना लिया, चाहे वन पैरामीटर वाला, चाहे टू पैरामीटर वाला, चाहे मल्टीपल पैरामीटर वाले, तो कंप्यूटर डिफॉल्ट जो अपने वाला होता है जिसमें गार्बेज पड़ी होती है वो कॉल नहीं करेगा, वो आपको एरर देगा उस पर। तो इसलिए ये एरर दे रहा है कि भाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो आपने खुद से बनाया नहीं है, तो हमें यहाँ पे खुद से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से मुराद क्या थी, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके पैरामीटर कुछ भी ना हो, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार मुझे ये बताएं कि इसके लिए तो चले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, इसके लिए कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? तो इसका सही जवाब यह है कि सर ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर पैरामीटर जो ना ऑब्जेक्ट हो। तो आप मुझे बताएं कि हमने यहाँ पे कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था जिसके अंदर पैरामीटर ऑब्जेक्ट हो? नहीं, कोई नहीं किया था क्रिएट। इसलिए मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसका जिसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है। किस टाइप का? स्टूडेंट टाइप का, क्योंकि इधर से कौन सा ऑब्जेक्ट पास हो रहा है? स्टूडेंट टाइप का। बात समझ रहे हैं? जिसको समझ में नहीं आई थी उनको बात अब क्लियर हुई है? Yes. कि नहीं हुई है? ओके okay. अच्छा, अगर ये फर्ज करें हम ना भी बनाते ना तो भी ये कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट बनाता होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट बना होता है। अगर आप इसको ना भी बनाए ना तो भी देखें ये एरर नहीं दे रहा, तो ये बाय डिफॉल्ट बना होता है। बट उसमें एक मसला है, वो क्या मसला है वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। बहरहाल, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हम पैरामीटर जो ना ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब हमने क्या करना है, एक एक चीज को कॉपी करना है। क्या मतलब कि भाई यही चीज है, यही चीज होगी इसमें, बट हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे obj.f name, ठीक है, और l name, ठीक है, और obj.let's suppose roll number और obj.let's suppose, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो है नहीं, मैं बताता हूँ, एक मिनट आपकी कन्फ्यूज को दूर करते हैं, एक मिनट सर। ओके इसको थोड़ा सा इसमें ना ये चीज़ें लिखनी होती हैं, और ये क्यों लिखनी होती हैं ये मैं आपको रीज़न बताता हूँ। फिलहाल हम इसको लिखते हैं ऐसे, कॉन्स्टेंट लिखना होता है और इसको एंड लिखना, ये मैं आपको एंड और कॉन्स्टेंट की बात भी बताता हूँ। पहले तो थोड़ा सा इसको समझने की ट्राई करते हैं ना कि है क्या। असल में होता ये है कि जो आपने ऑब्जेक्ट इधर भेजा है ना वो सारा का सारा क्या होना है, देखो आपके पास अगर मेमोरी डायग्राम बनाऊँ मैं इसकी, अगर मैं इसकी मेमोरी डायग्राम बनाऊँ तो क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि एक आपके पास है S1, ठीक है, और एक आपके पास है S2, ठीक है। S1 जो है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, S1 के अंदर एक आपके पास F name पड़ा हुआ है, मैं इसको F लिख देता हूँ, एक L name पड़ा हुआ है, और एक आपके पास रोल नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक आपके पास क्या पड़ा हुआ है, और मार्क्स पड़े हुए हैं, ये आपके पास मार्क्स पड़े हुए हैं। F name में इधर सुनील लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर कुमार लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं S1 की बात कर रहा हूँ क्योंकि S1 में हमने ये पैरामीटर भेजा ना, और उसका रोल नंबर है 234, और मार्क्स के अंदर क्या पड़े हुए हैं, 99, 33, और लेट सपोज 57 पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये चीजें S1 के अंदर पड़ी हुई हैं। S2 जब हमने बनाया है तो इसका कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब है कि हम इसको इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं S1 के एट्रीब्यूट से, तो S1 के जो भी एट्रीब्यूट होंगे वो सारे के सारे इसमें कॉपी हो जाएंगे। तो वो कॉपी कैसे होंगे, वो ऐसे होंगे कि हमने क्या किया, ये 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 जो आपका जो S1 है ना ये इधर पास होके इधर आएगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा, और क्या होगा, और हमने लिखा obj.fname। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना तो इसका एट्रीब्यूट है fname, वो हमने fname में कॉपी कर लिया। अगेन obj का एक और जो एट्रीब्यूट है l name, उसको हमने l name में कॉपी कर लिया। अब ये l name रोल नंबर किसके हैं, ये हैं आपके इस s2 के, और ये जो हमने लिखा है ना obj dot, और ये obj क्या है, obj जो हमने s1 भेजा है इधर से, ठीक है ना। ये s1 का अब उधर नाम क्या हो गया है, obj हो गया है। मैं इसका नाम s1 भी रख सकता हूँ वैसे इधर, ठीक है ना, बट मैं इसको इसका नाम obj ही रख रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है,
अच्छा यहाँ पे एंड देने से मुझे आप बता सकते हैं कि ये, बल्कि इसको एक मिनट रहने देते हैं, पहले आपको ये समझ में आ रहा है कि मैंने ये किया क्या है, ये इस इधर ओबीजे डॉट क्यों लिखा है, इसकी समझ में आ रही है आपको? किसी बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आ रही तो पहले वो क्लियर करे, फिर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं कि ये एंड क्यों लगाया है और कॉन्स्टेंट क्यों लगाया है। इसका क्या जवाब आपको सर इस हिसाब से? जी सर इस हिसाब से तो S2 अपनी कोई मेमोरी होल्ड ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ S1 को जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो मेमोरी बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? ऐसे बनेगी, हो ये रहा है कि एफ नेम जो है ना वो अब किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए डब्बा तो बनेगा ना अलग से, ये अलग से डब्बा तो बनेगा, पर ये पॉइंट किसे करेगा? पॉइंट किसे करेगा? ठीक है। अच्छा इसी तरह से एल जो है हुआ वो भी एक मेमोरी को पॉइंट करेगा, ठीक है ठीक है। इस तरह से रोल नंबर के अंदर, इसके अंदर भी आर पड़ा हुआ है तो ये क्योंकि इंटीजर है तो ये 234 पड़ा होगा, इसके अंदर भी 234 पड़ा होगा, ठीक है। ये एक मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, ये भी एक मेमोरी को पॉइंट करेगा, तो ये तो मेमोरी तो अलग बनेगी, ठीक है ना, तो ये तो मेमोरी अलग बनेगी, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं ना, ठीक है। अच्छा मतलब कि S2 के लिए तो सारी मेमोरीज बन जाएंगी, एफ नेम एल नेम। अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, हम चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की सारी चीजें दूसरे ऑब्जेक्ट में आ जाएं तो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, सिंपल, ठीक है ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। जो दूसरा ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं तो उसमें अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो ओवरऑल में तो नहीं कोई चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा। मैं अभी इस जो आपने अभी बात की है ना इस पे ना थोड़ा सा है ना एक मतलब ये समझें कि एक मशकूक बात है, वो अभी मैं बताता हूँ कि वो क्या है। ये जो अभी आपने बताई ना बात की सर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजिंग करता हूँ तो अगर आप फर्ज करें बात करें कि रोल नंबर, अगर मैं मिसाल के तौर पे सेट S1 का सेट कॉल करता हूँ और S2 का सेट कॉल करता हूँ और मैं दोनों का रोल नंबर चेंज करता हूँ तो यकीन माने इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। लेट सपोज मैं सेट कॉल करता हूँ S1 डॉट लेट सपोज सेट रोल नंबर, मैंने इसका रोल नंबर जो है ना वो चेंज कर दिया 45, ठीक है S1 का रोल नंबर चेंज कर दिया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ S1 डॉट डेट रोल नंबर, ठीक है, और इसी तरह से मैं लिखता हूँ S2 का जो है ना वो गेट रोल नंबर, तो आप देखिएगा दोनों का रोल नंबर फर्क होगा। S1 की चेंजिंग करने से S2 के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ओहो एरर किस वजह से आई है यार? सर वो रोल नंबर के आगे दो ब्रैकेट। ओहो सॉरी, हाँ ऐसे बताया करो ना यार। देखें ये रोल नंबर दोनों डिफरेंट आए हैं, एक 45 आया है और एक 235 आया है, ये डिफरेंट आए हैं, मतलब S1 का S2 के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है, ये बात तो यहाँ पे प्रूफ हो गई। बट यहाँ पे ये जो मैंने बात की है ना ये ऐसे नहीं है, ये मैं जो बात अभी की है ना वो गलत किया। गलत क्यों की है? हालांकि आपको दिखने में भी आ रहा है कि ये दोनों अलग हैं बट इसमें एक छोटा सा मसला है, वो अभी बताता हूँ क्या है, ठीक है। अच्छा अब इस सवाल से पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मैंने एंड क्यों लगाया है और यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट क्यों लगाया है? मैंने हालांकि आपको बता दिया है, यहाँ पे पहले मुझे बताएं एंड क्यों लगाया, एंड लगाने का क्या फायदा होगा? कोई बच्चा मुझे बताए। शाबाश, ताकि वो ऑब्जेक्ट की मेमोरी में जाके वो यानी कि उसका नहीं, ये मतलब आपने नजम सेठी वाला जवाब दिया है कि मतलब वजीर आजम जो है वो अच्छा है बुरा है, तो वो पॉलिटिकल जवाब देता है ना, अच्छा कहता है ना बुरा कहता है, तो आपने वो वाली बात की है। क्लियर जवाब देना, क्लियर बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब है सर, ये जवाब है इसका। सर वो आप पहले बताया था आपने निकनेम बन जाता है तो वही सेम मेमोरी का एक दूसरा नाम बन जाता है। क्यों बना रहे हैं निकनेम, क्यों बना रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा? सर एक्चुअली इसे ये होगा कि ना इसकी अलग मेमोरी नहीं बनेगी, हम उसी को पॉइंट कर रहे होंगे, कॉन्स्ट्रक्टर नहीं कॉल होगा, वो ये सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। अब जो तूने बात की ना वो बिल्कुल ठीक किया। तेरा नाम क्या है? सर उमर। अब सर उमर उमर खाली नहीं, खाली उमर ही है। उमर जो है, उमर ने बड़ी जबरदस्त बात की है और वो कहता है कि अगर हम यहाँ पे एंड नहीं लिखेंगे ना तो यहाँ पे मसला ये होगा कि ओबीजे के लिए ना फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। असल में होगा क्या है, ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन आपको पता है, फंक्शन को पैरामीटर कैसे पास करते हैं, किसी को पता है
आपस में ये कैसे पास करते हैं। अब असल में होता ये है कि यहाँ पे ये रिजॉल्व ऐसे होगा कि आपके जो ऊपर से चीज आ रही है ना, ऊपर से क्या आ रहा है, यहाँ से S1 आ रहा है, ये S1 इसके अंदर ये ना ऐसे लिखा होगा const student obj is equal to S1, ऐसे लिखा होगा, ये असल में ऐसे पास हो रहा होगा बाय वैल्यू, ठीक है ना। और इसके लिए क्या होगा, फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और वो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ऐसे तो बार बार obj के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता ही रहेगा, ठीक है ना। मतलब अगर हम ये एंड नहीं लगाएंगे ना, तो obj के लिए, अगर आप इसको सादा लफ्जों में मुझसे पूछें कि क्यों लगा रहे हैं, इसकी वजह ये है कि obj के लिए दोबारा कंस्ट्रक्टर कॉल ना हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे obj के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो असल में obj के अंदर क्या आ रहा है, s1 आ रहा है। तो s1 एक ऑब्जेक्ट हम दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन करते हैं, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। फिर यही काम चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, ठीक है। अगर ये बात मेरी आपको समझ में नहीं आई, तो मैं आपको इसका और सिंपल तरीका बताता हूँ, वो ये है, अगर आप यहाँ पे एंड नहीं लगाते, तो obj के लिए मुझे एक अलग से कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग से कंस्ट्रक्टर कॉल करने की जरूरत क्या है, जब ऊपर से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, आप उसी मेमोरी को दूसरा नाम दे दें, इसलिए यहाँ पे हमने इसका नाम रख दिया है एंड, इसको एंड कर दिया। क्या मतलब, कि जो ये obj का मतलब क्या है, obj का मतलब s1 ही है, जो s1 की मेमोरी है वही obj ही है। और दूसरा, इसको कांस्टेंट क्यों किया है, कोई बता सकता है कि इसको कांस्टेंट करने की जरूरत क्या है? यस सर, ताकि वो उसकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज ना हो जाए, वैल्यू चेंज ना हो जाए। सर, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज है ना, एट्रीब्यूट जो है वो चेंज ना हो जाए। अच्छा, इसलिए हमने उसको कॉन्स्ट किया। अब इसको, इसकी जो मेमोरी में चीजें हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हो। इस पैरामीटर का मतलब सिर्फ ये है कि ये वैल्यू हमने इसमें असाइन करनी है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये रीड ओनली ऑब्जेक्ट होना चाहिए। रीड ओनली मतलब कि हम इससे सिर्फ वैल्यू को रीड कर सकें, इसमें चेंजिंग ना कर सकें कुछ, क्योंकि ये उसी मेमोरी को दूसरा नाम है। तो अगर मैंने यहाँ पे एफ नेम में कोई चेंजिंग की, तो उधर भी चेंजिंग हो जाएगी। तो इस कंस्ट्रक्टर का ये काम तो है नहीं, मैंने गलती से कोई इक्वल शिक्वल लगा दिया, कोई मसला हो गया, मैंने कोई गलती से कुछ लिख दिया, और जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसमें भी चेंजिंग हो गई, तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो हम उससे बचने के लिए कि इस एफ नेम में, फर्ज़ करो मैंने ना कोई यहाँ पे लगा दिया इफ एफ नेम, और लेट सपोज, या इफ रोल नंबर जो है इक्वल की जगह पे, मैंने यहाँ पे डबल इक्वल की जगह पे इक्वल लगा दिया, तो ये तो काम खराब हो जाएगा। यहाँ पे लेट सपोज मैंने इस तरह से लिख दिया, ये असाइनमेंट हो रही है, ये डबल इक्वल, ये कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, ये असाइनमेंट हो रही है, तो ये काम खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रोल नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो कि हमें नहीं करनी। इसलिए हमने इस चीज से बचने के लिए क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट कर दिया है। और कांस्टेंट का मैंने आपको पहले बता दिया था कि किसी चीज को आप कांस्टेंट करते हो, तो आप उसके अंदर नहीं चेंज कर सकते, उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। बात समझ आई, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? जी बताएं सर, इतनी है कि अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ एंड ऑपरेटर नहीं लगाते, तो उसको कंस्ट्रक्टर दोबारा क्यों कॉल करना पड़ेगा? बेटा देखो ना, अब ये भी तो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ये ओबीजे क्या है, ये स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है, जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो सर इसका मतलब है कि फंक्शन में इसकी मेमोरी नहीं बनेगी ना, ये सिर्फ उसको रेफर कर रहा होगा। बेटा रेफर, देखो ना, बेशक रेफर कर रहा होगा, एक मिनट, अगर आप यहाँ पे एंड लगाते हैं ना, इसका मतलब होगा कि ये इसको रेफर कर रहा है। बट आप अगर एंड नहीं लगाते ना, इसका मतलब है कि ये टेम्पररी मेमोरी खुद बनाएगा। तो इसकी टेम्पररी मेमोरी बनाने की तुक क्या बनती है? हाँ, एंड साइन लगा देना, इसका मतलब ये होगा कि अब अलग से मेमोरी नहीं बनेगी, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि सर ये एस वन जो है ये, और ये ओबीजे, ये सेम चीज है, तो बिल्कुल ठीक है, ये सेम चीज ही है, ये एक मेमोरी के दो नाम है। ये S1 है ना, इसका अब दूसरा नाम OBJ है, और ये नाम टेम्पररी है, टेम्पररी है। जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल खत्म हो जाएगी, ये OBJ नाम इसका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, तो एक और इंटरेस्टिंग इसमें है, मतलब ये कॉन्स्टेंट और एंड आपको समझ में आ गया, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर की अगर मैं समरी करूं, तो ये है कि एक ऑब्जेक्ट आपने बना दिया है, उसको किसी और ऑब्जेक्ट में असाइन करना इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर कब काम आता है, जब आप एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आपको वहां पे जाहिर सी बात है कॉपी कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है।
और कॉपी कंस्ट्रक्टर को कांस्टेंट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमने सिर्फ उससे जो है वो रीड करनी होती है वैल्यूज को और किसी में असाइन करनी होती है, हमने उसमें चेंजिंग कोई नहीं करनी, इसलिए हमने इसको कांस्टेंट किया होता है। एंड क्यों लिखा होता है, क्योंकि हमने इसमें इसके लिए अलग से कंस्ट्रक्टर कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वरना इसके लिए भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। अच्छा, अब अगर आप इसमें एक छोटी सी चीज और मैं अगर आपको बताऊं, पॉइंटर्स आपने पढ़ लिए, ठीक है, पॉइंटर्स तो आपने बेहतरीन जबरदस्त किस्म से पढ़ लिए हैं, तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल क्या है, सवाल ये है कि अगर तो फर्ज करें यहाँ पे मैंने लिखा है, बड़ा ही मतलब मोहतात होना है, अब आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो एक मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, इंट, लेट्स सपोज इंट लिखा हुआ है और इसकी मेमोरी सिर्फ एक ही है, ठीक है, बल्कि इसको लिखो ना तो भी ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपकी एक मेमोरी बनेगी, नाम होगा, चले इसका मैं दो कर देता हूँ ताकि थोड़ा अरे के हिसाब से आ जाए, और लेट सपोज इसके अंदर में पी टी आर जीरो इजिकल टू लेट सपोज फोर और पी टी आर वन इजिकल टू लेट सपोज सिक्स कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपकी एक मेमोरी बनेगी, पी टी आर उसको पॉइंट करेगा, पी टी आर एक मेमोरी नहीं है, पी टी आर उसको पॉइंट करेगा और उस मेमोरी के अंदर दो डब्बे बनेंगे, पी टी आर सिर्फ पहले वाले को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, पहले डब्बे के अंदर क्या रखेगा, फोर, और दूसरे के अंदर क्या रखेगा, सिक्स रखेगा, ठीक है, इसमें तो आपको कोई मसला नहीं है ना, ये तो आपको पहले से आता है, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना? नहीं सर। अब मैं एक शुगल करता हूँ, आपको एक पॉइंटर के अंदर कॉन्सेप्ट होता है डैंगलिंग पॉइंटर, और इसका थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, नहीं है तो खैर हम आपको करवा देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, जो लगता है कि आज हम असाइनमेंट डिस्कस नहीं कर पाएंगे, चलें इसको मेमोरी को ही नहीं देते और इसको लिख देते हैं पी टी आर। आप मुझे बताएंगे कि ये क्या हो रहा है, कोई बता सकता है कि ये क्या हो रहा है? एक पी टी आर टू मैंने बनाया होगा, ये भी इस मेमोरी को पॉइंट करेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है ना? अच्छा, अगर मैं अब लेट सपोज पी टी आर टू के जीरो के अंदर कोई चेंज करूं और यहां पे लिख दूं 67, अब मुझे बताएं कि अगर मैं सी आउट करता हूं पी टी आर वन होगा, बताएं यहां पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी? शाबाश, 67 सर, 4 आपका नाम क्या है? मिशा। नहीं, मिशा के अलावा कोई और बच्चा था, उसका नाम क्या है? सर हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा, अच्छा हुज़ैफ़ा, बड़ी जबरदस्त बात आपने की है, और वो ये है कि इसके लिए अलग से, क्योंकि ये दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, अगर मैंने इसके जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स का मतलब है कि इस जगह पे कोई चेंजिंग की है ना, तो ऑटोमेटिकली ये 40 से, ये अब के यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हटके, ये मैं रेजर से हटा देता हूँ, यहाँ पे 4 की जगह पे अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा 67, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ इस पॉइंटर के थ्रू, इसका नाम पीटीआर 2 है, सॉरी, मैं इस पॉइंटर के थ्रू इधर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इस पॉइंटर के थ्रू इधर जा रहा हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली इस मेमोरी में चेंज हो गई। अब अगर मैं लिखता हूँ पीटीआर 0, तो इसका मतलब क्या है, मैं इस मेमोरी पे, आपने ना मेमोरी मैप जहन में बनाना है, ठीक है ना, तो आपको क्लियर होगा, अदरवाइज आपसे क्लियर नहीं होगा। अब अगर मैं पीटीआर 0 की बात कर रहा हूँ, तो असल में मैं इस मेमोरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम मेमोरी शेयर कर रहे हैं, तो इनमें से किसी में भी कोई चेंजिंग करें तो दोनों में चेंजिंग दिखने में आएगी। इस बात से इत्तफाक करते हैं कि इनमें से किसी में भी कोई चेंजिंग करो तो दोनों में दिखने में आएगी, इत्तफाक करते हो? जी सर। अच्छा, खैर अब इसमें काफी ज्यादा वैरायटी है, वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, बट इसमें एक छोटी सी चीज और भी है। अब फर्ज करो, अब क्या होगा, पीटीआर 1 इज इक्वल टू सपोज मैं करता हूं डिलीट पीटीआर, अब क्या होगा,
अभी ये होगा कि ये मेमोरी हो जाएगी रिमूव, ये मेमोरी हो जाएगी रिमूव, और हमने यहाँ पे लिखा होगा ptr is equal to null. सर वो हमने अरे बनाई हुई है तो वो उसके साथ वो आएगा नहीं अरे वाले वो ब्रैकेट्स. हाँ अरे भी आएगा, ठीक है बिल्कुल ठीक है. अब ये क्या होगा कि ये मेमोरी हो गई डिलीट और ये ptr जो ना अब किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा. डैंगलिंग पॉइंटर मसला ये है कि ये पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, इसको हम कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर, कि मतलब ये पॉइंटर उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जो कि अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये खत्म हो चुकी है मेमोरी. बट मसला ये है कि हमने ptr के थ्रू तो चेंज कर दिया, तो जब भी हमने दो पॉइंटर के थ्रू एक मेमोरी को पॉइंट करना है तो हमने बड़ा ख्याल रखना है चीजों का कि कोई काम खराब ना हो जाए. ठीक है बात समझ रहे हैं? Yes. इसको डैंगलिंग कहते हैं. और एक और भी चीज होती है जिसको हम कहते हैं मेमोरी लीकेज. मेमोरी लीकेज क्या होती है? किसी को पता है मेमोरी लीकेज क्या होती है? सर वो जो मेमोरी अगर डिलीट ना करें शायद वो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लेट सपोज ptr इज इक्वल टू लिख दिया न्यू इंट और 6. अब मसला ये है कि लेट सपोज मैंने ये ptr 2 को इसको पॉइंट नहीं करवाया, मैंने सिर्फ एक ptr बनाया था, पहले इसको न्यू दिया उसको वैल्यू दी और फिर मैंने इसको एक नई मेमोरी की तरफ पॉइंट कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये अब आपके पास ये करेगा कि ये जो ptr है आपका, ये ptr जो है वो एक नई मेमोरी की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा. पहले वो एक मेमोरी की तरफ कर रहा था, अब वो नई मेमोरी की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा. बट मसला ये है कि ये 6 साइज की जो मेमोरी है ये तो है, बट 2 साइज की जो मेमोरी हमने पहले बनाई थी ना वो भी तो अवेलेबल है ना, उसको तो हमने डिलीट किया नहीं है, तो ये इसका मतलब है कि ये मेमोरी वेस्ट हो गई आपकी. इसको कहते हैं मेमोरी लीक करना, क्योंकि अब इस मेमोरी को पॉइंटर तो कोई पॉइंट कर नहीं रहा, अब इस मेमोरी को एक्सेस कैसे करें. पहले तो ये इसको पॉइंट कर रहा था, पहले ये इधर ही पॉइंट कर रहा था, ठीक है ना, बट फिर हमने क्या किया इसको नई मेमोरी दे दी, तो नई मेमोरी देने के बाद इसने क्या किया, ये एक अलग मेमोरी को पॉइंट कर रहा है. बात समझ में आ रही है ना? तो पॉइंटर्स के अंदर आपको इन चीजों का ख्याल रखना है. दूसरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि दो पॉइंटर्स हैं वो एक मेमोरी को शेयर कर रहे हैं. अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इससे मैं मेरा आपका अगला सवाल पूछता हूँ कि यार अगर फर्ज करो ये एक अरे बनाई मैंने, ठीक है ओके हो गया, ये एक कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग है, ये भी कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग है, और ये मैंने रोल नंबर दिया हुआ है, ये एक अरे भेजी हुई है और साइज भेजी हुई है. अब मुझे सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मैं एवरेज फाइंड करता हूँ, अभी कॉपी कंप्यूटर की बात इधर कोई नहीं कर रहा, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने आपको क्या बताया है कि ये सिंपल मैंने इनके वैल्यू को इधर असाइन कर दिए, ठीक है. अच्छा अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, और सवाल मेरा ये है कि मैं एवरेज फाइंड कर रहा हूँ, मैंने क्या किया इसके अंदर तीन वैल्यू दे दी, ठीक है, वो इस अरे के थ्रू दी है, किसी के थ्रू भी दे सकता हूँ वो कोई इशू नहीं है. मैंने क्या किया, मैंने फाइंड एवरेज किया, किसका, S1 का, तो इन तीनों का एवरेज निकलेगा. फिर मैंने क्या किया, मैंने इस अरे में चेंज किया, मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं किया बट इस अरे के अंदर चेंजिंग किया. आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इन दोनों का एवरेज सेम आएगा या डिफरेंट आएगा और क्यों? जी शाबाश सर, मुझे लग रहा है सेकंड वाले का डिफरेंट होगा. नहीं देखें, लग नहीं रहा, उसकी कोई वजह बताएं, लग नहीं रहा, ऐसे ना करें, बताएं वजह क्या है. पहले में तो जो जीरो इंडेक्स पे 99 इनिशियलाइज है और जब हम दूसरा एवरेज निकाल रहे हैं तो जीरो पे आपने जीरो कर दिया उसको. बट मसला ये है कि ये तो हमने इसमें पास कर दिया ना, ये तो उसका कंस्ट्रक्टर बन गया है, S1 का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ये मेमोरी इसमें असाइन हो गई, उसके बाद S1 का अरे के साथ ताल्लुक क्या है, कोई ताल्लुक नहीं है. तो आप क्यों कह रहे हैं कि अरे में चेंजिंग करने से S1 में भी चेंजिंग हो रही है, ये क्या बात हुई? जी और कोई जवाब देना चाहता है इसका? शाबाश. देखिए आप जब डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी मेरी डांट भी कभी, मतलब आप, मैं वैसे वो डांट तो नहीं रहा होता, मतलब बोलना मेरा ऐसा है कि आपको लग रहा है कि मैं डांट रहा हूँ, बट मैं असल में डिस्कशन ही होती है हमारी, तो डिस्कस करें इसको, बताएं क्या सर. पहले जहाँ पे आपने सी आउट किया हुआ एवरेज को वहाँ पे तो एवरेज फाइंड कर देगा, लेकिन उसके बाद आपने ARR के जीरो इंडेक्स पे इसको जीरो इनिशियलाइज कर दिया,
तो आपने दोबारा उसको फिर सी आउट किया हुआ है, तो वो उसके जीरो इंडेक्स पे जीरो कर देगा ना उसको? नहीं, उसके जीरो इंडेक्स पे कैसे करेगा, वो तो अब असाइन हो चुका है ना, करेगा कैसे? मुझे उसके बाद जब आपने ARR ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 किया हुआ, नहीं उसके नीचे आपने सी आउट किया हुआ है ब्रिज को। हां तो ठीक है ना, बट मैं मेरा सवाल ये है कि इस अरे को तो मैंने इधर पास कर दिया ना, मैंने ये फिर से थोड़ी लिखा है S1 अरे, फिर से थोड़ी लिखा है इधर, ये काम मैंने फिर से थोड़ी लिखा है S1, ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है, ये मैंने इधर फिर से थोड़ी लिखा हुआ है, ये तो ऊपर एक दफा इनिशियलाइज हो गया ना। मेरा सवाल ये है कि आप जो कह रहे हैं कि सर इधर चेंजिंग आएगी, एवरेज में चेंजिंग आएगी, तो मेरा सवाल ये है कि क्यों आएगी? ये तो अरे तो अलग है ना, इसको तो हमने इधर इनिशियलाइज कर दिया है, तो अब ये इस अरे में चेंजिंग करने से S1 में चेंजिंग क्यों आ रही है? बल्कि आपका जो जवाब है ना वो बिल्कुल ठीक है, इसमें चेंजिंग आएगी, मेरा सवाल ये है कि क्यों आएगी? कांस्टेंट पॉइंटर है इसलिए। नहीं, कांस्टेंट पॉइंटर का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है इससे, मतलब इसका पॉइंटर कैसे कांस्टेंट पॉइंटर से ताल्लुक है, आप समझाएं जरा। शाबाश, मतलब इस सवाल का जवाब जो है वो कांस्टेंट पॉइंटर से कैसे ताल्लुक है? एरे है कि ये आप समझा दे कि कांस्टेंट होता है। नहीं, अगर एरे है तो उसका मतलब वैल्यू से या नहीं से उससे क्या ताल्लुक? कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब ये है कि वो एक मेमोरी को पॉइंट करेगा, ठीक है, तो करता रहे, उसमें हमें क्या मसला है? अब मैं आपसे सवाल जो 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 ना टाइम वेस्ट करने के बगैर जो ना मैं आपसे थोड़ा सा एक यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, तो उससे आपने समझना है। देखो एक चीज़ यहाँ पे मैंने इसको, इसका नाम मैंने रखा है S1, ठीक है। अब आपको पता है S1 के अंदर कितनी चीज़ें हैं? S1 के अंदर है fname है, बट ये याद रखिएगा fname एक पॉइंटर है, ठीक है ना, ठीक है। इसका नाम मैं f रख देता हूँ, इसका नाम मैं l रख देता हूँ, और इसका नाम मैं रोल नंबर r रख देता हूँ, और मार्क्स भी क्या है? एक पॉइंटर है, तो मार्क्स का भी एक डब्बा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें, सबसे पहले पहले मैंने क्या किया, मैंने एक अरे बनाई है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैंने एक मेमोरी बनाई है जिसकी तीन साइज है, और उसको एक अरे टाइप का कांस्टेंट पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा है, यही मतलब हुआ ना इसका। अब ये है कि ये पॉइंटर जो है ना, ये और किसी को पॉइंट नहीं कर सकता, ये इसी को पॉइंट करता रहेगा हमेशा, ठीक है। चलें, अरे का मतलब ये हो गया, ठीक है। चलें जी, अब हमने क्या किया है, अब अगर आप देखें यहाँ पे, हमने ये किया है कि हमने इसका कॉपी, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इसका सिंपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। चलें जी, इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे जाते हैं, ये वैल्यू हमने इसमें कॉपी कर दी। फिलहाल एफ नेम को छोड़ते हैं, एल नेम को भी छोड़ते हैं, और रोल नंबर का मतलब क्या है कि भाई रोल नंबर की एक अलग से मेमोरी बनेगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम एफ नेम की बात करें, तो ये एफ नेम जो है ना, ये क्या करेगा, ये असल में हमने एफ का पॉइंटर इसको पॉइंट करवाना शुरू कर दिया है। तो ये असल में ये जो आपने भेजा है ना, ये जो ये, ठीक है, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट अरे। कांस्टेंट अरे का मतलब है कि ये एक स्ट्रिंग टाइप की अरे है, और कैरेक्टर टाइप की अरे है, बट ये कांस्टेंट होती है, इसकी मेमोरी हमेशा पड़ी होती है, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक मेमोरी बनेगी, ठीक है, और ये एल नेम जो है ना उसको पॉइंट करता रहेगा, ठीक है, और ये एफ नेम भी इसको पॉइंट करता रहेगा, ये एफ नेम भी पॉइंट करता रहेगा, और एक और मेमोरी बनेगी उसको एल नेम पॉइंट करता रहेगा, ठीक है। चलें जी, और रोल नंबर क्या करेगा, रोल नंबर जो रोल नंबर होगा वो इसमें कॉपी हो जाएगा। रोल नंबर क्या होगा, इधर कॉपी होगा, तो रोल नंबर हमारे पास क्या है, 234, तो ये 234 इधर कॉपी हो जाएगा, 234, ठीक है। ये डब्बा थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मार्क्स क्या हो रहे हैं, मार्क्स अगेन यहाँ पे क्या हमने किया है, हमने लिखा है मार्क्स इज इक्वल टू एम। इसका मतलब क्या है कि भाई जो इधर पॉइंटर गया है, ये पॉइंटर क्या है, अरे है, ये अरे जा रही है M में, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ये पॉइंटर है इसको आप पॉइंट करना शुरू कर दो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो अरे आपकी बनी हुई है ना, जिसको ये ARR पॉइंट कर रहा है, M भी इसको पॉइंट करना शुरू कर दे। यहाँ तक किसी को इशू हो तो मुझे बता दे। ये जो मार्क्स की मैंने बात की है ना, बाकी समझ में ना भी आया हो, ये मार्क्स की समझ में आई है कि इसका मतलब क्या है, कि भाई मार्क्स का मतलब है कि ये जो है ना M को पॉइंट करे, और M क्या कर रहा है, M जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, तो मार्क्स भी अब इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। ये बात समझ आई आपको? ये सर आ गया, आ गई, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि क्योंकि ये देखो मैंने यहाँ पे पॉइंटर को असाइन किया, ये अरे है ना, ये अरे का पॉइंटर किसमें पड़ा हुआ है, M में, ठीक है, M या अरे बात एक ही है। अब M मैंने मार्क्स को असाइन कर दिया, इसका मतलब है मार्क्स और M जो है ना दोनों एक जगह पे पॉइंट कर रहे हैं,
ये बात आपको समझनी है, ये दोनों एक जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, ये अरे भी जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ये एरो मैंने गलत दे दिया, ये जो आपका अरे है ये भी इसको पॉइंट कर रही है और ये एम भी इसको पॉइंट कर रहा है। अब इशू ये है कि जब हम इस अरे की वैल्यू को करते हैं चेंज, तो होता ये है कि ये वैल्यू जो है ना ये डिलीट होके ये बन जाती है जीरो, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों मेमोरी शेयर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो इधर चेंजिंग आएगी वो इधर भी दिखने में आएगी चेंजिंग, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। अगर फर्ज करें ये एफ नेम और एल नेम का हम कोई पॉइंटर भेजते ना, तो वो नाम जो एफ नेम के अंदर हम चेंज करते तो वो इस ऑब्जेक्ट का भी चेंज हो जाता। बहरहाल अभी फिलहाल समझने के लिए ये है कि ये जो मार्क्स आपके इधर चेंज हो रहे हैं ना वो आपको इधर भी चेंजिंग दिखने में आएगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही तो मुझे बता दे। आ गया सर जी, किसी को समझ में ना आई हो कि दो पॉइंटर हैं और दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, इस वजह से आपका एवरेज जो ना वो चेंज आ रहा है। अब अरे की वैल्यू जो हमने इधर जीरो रखी है ना, ये वाली जीरो रखी है, इसका मतलब है कि आपकी अरे की वैल्यू जो जीरो हो रही है वो इधर हो रही है और एम भी इधर पॉइंट कर रहा है। अब आप मुझे इसका हल बताएं, आपके ख्याल में इस चीज का हल क्या है? ये तो देखो ना, ये तो गलत है ना, मतलब आप स्टूडेंट की अरे बना रहे हैं और ये अरे तो टेम्पररी वेरिएबल है ना, एक तो मेन तो आपका ये ऑब्जेक्ट है, आप समझें कि आपका रोल नंबर अभी एक था, अब किसी ने वेरिएबल चेंज किया और आपका रोल नंबर भी चेंज हो गया, तो ये तो गलत बात है ना। हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो चेंजिंग हो उसका हक सिर्फ उसे हासिल होना चाहिए। अगर मैंने फर्ज करें इस मार्क्स को चेंज करना है ना, तो मुझे एक फंक्शन बनाना चाहिए एस वन के अंदर जो इस मार्क्स को चेंज करे। ये अरे जो है इसके अंदर चेंजिंग होने से इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, प्रैक्टिकली तो ऐसे होना चाहिए ना, तो ये तो गलत बात हो रही है। अब आप लोग मुझे इसका हल बताएं सर, क्या करें, क्या कांस्टेंट नहीं कर सकते उसको? किसको कांस्टेंट नहीं कर सकते? ये जो अरे है कांस्टेंट सर, एक मिनट, किसको कांस्टेंट करना चाह रहे हैं आप? ये एरर हां जी बेटा, देखो इसको कांस्टेंट करने से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो फिर मतलब ये नहीं, एक मिनट, देखो इसको कांस्टेंट करने से क्या फर्क पड़ेगा, आप इसकी वैल्यू इधर से चेंज नहीं कर सकोगे, बात तो असल में यहाँ पे तो ये तो मतलब ये है ना कि आप जब भी मेन एक मिनट प्लीज, देखें ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर है, इस पे आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी यहाँ पे, नहीं वो जो फंक्शन में जो हम लोग ए आर आर लेके आ रहे हैं उसको हम रीड ओनली बना सकते हैं ताकि फंक्शन में कोई चेंजेस ना हो सके ए आर आर पे। अगेन वही गलत, फिर गलत कह रही हैं आप। देखो इधर जब पास होगा ना वो इधर से जाएगा तो इधर से ही ना जाएगा, तो इधर से ही ना, तो अगेन मसला वहीं का वहीं रह गया। सर हम एक न्यू मेमोरी बना देंगे ना ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल है उसकी, उससे ये इसकी बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं इसका हल, देखो ना जो आप बात कर रही हैं ना अमीशा, वो ये कर रही हैं कि आप इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन डालें, ठीक है, हम इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते, ये तो यूजर है ना। देखो ना आप एटीएम मशीन पे जाते हैं तो आप जब एटीएम मशीन का सॉफ्टवेयर डिजाइनर अगर हैं तो आप एटीएम के अंदर चेंजिंग करेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि जो बंदा इसको चलाने आएगा वो जो है ना ये करे, आप वो थोड़ी कंट्रोल में आपके, ठीक है ना, वो तो थोड़ी आपके जो कंट्रोल में है वो आपका, अब जो स्टूडेंट है ना उसके अंदर कंट्रोल के अंदर सिर्फ ये बॉक्स है, बाकी ये चीजें जो एक्सटर्नल चीजें ना ये इसके कंट्रोल में नहीं है। तो अब इसका तरीका जो अभी भाई ने बताया वो ये है कि आप बजाय इसके मेमोरी को पॉइंट करवाएं एक अलग से मेमोरी बनाएं, ठीक है, एक नई मेमोरी बनाएं अलग से, ठीक है, और आप इसको उधर पॉइंट करवा दें, और क्या करें ये वैल्यू उधर पड़ी हुई है ना ये सारी की सारी इधर कॉपी करवा दें वापस, बात समझ रहे हैं। अब क्या होगा, अब अरे के अंदर कोई भी चेंजिंग होगी वो इधर दिखने में नहीं है क्योंकि ये एक अलग मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। बट मसला ये है कि C++ के अंदर हम ये करेंगे कैसे, वो ऐसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, बिफोर डूइंग दिस हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे कि मार्क्स अगर इक्वल टू नल है, नॉट इक्वल टू नल है, बल्कि ये नल वाली चीज में फिलहाल छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ें, कोड की तरफ छोड़ते हैं फिलहाल काम करते हैं। अच्छा हम क्या करेंगे, सबसे पहले मार्क्स को मेमोरी देंगे, मार्क्स इज इक्वल टू न्यू इंट, और मेमोरी कितनी देंगे जितनी साइज होगी, और फिर क्या करेंगे लूप लगा के एक एक चीज कॉपी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा,
marks of I is equal to marks of, m of, ठीक है, उसे आप कॉपी करेंगे, ठीक है। और ये मार्क्स आपका क्या था, ये फ्लोट टाइप का है, सॉरी सर फ्लोट कर देना इसको, इंट की सॉरी 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 ये फ्लोट है, ठीक है। चलें जी, तो अब ये मसला हल हो गया। अब असल में क्या हो रहा है, ये मार्क्स एक बिल्कुल नई मेमोरी को पॉइंट कर रहा है और ये हम उसमें कॉपी करवा रहे हैं वैल्यूज को, ठीक है। अब यही चीज हमें इस एफ नेम के लिए भी करनी चाहिए और इस एल नेम के लिए करनी चाहिए, क्योंकि जब भी पॉइंटर हो ना तो हमें इस तरह से कॉपी करनी चाहिए। अगर हम इस तरह से कॉपी नहीं करेंगे, एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर में असाइन कर देंगे, तो मसला क्या आएगा, दोनों पॉइंटर एक मेमोरी शेयर करेंगे, और जब एक मेमोरी शेयर करेंगे तो एक पॉइंटर में अगर कोई चेंजिंग आई तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे पॉइंटर में भी आ जाएगी, तो वो फिर काम खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मेमोरी शेयर नहीं करते, एक अलग मेमोरी बनाते हैं। ये हमने अलग मेमोरी बनाई और ये अलग मेमोरी बनी हुई है पहले से ही। अब अगर हम मैं इस कोड में चेंजिंग करूंगा, आप इसको, मैं इसको चला के दिखाता हूं, अब देखें एवरेज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। बट पहले इसके अंदर फर्क पड़ेगा। अगर फर्ज करो मैं इसको इधर ये कोड सारा हटा देता हूं और मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं यहां पे एम, तो आप देखिएगा क्या होता है। एक 63 है और एक 30 है, क्योंकि ये अरे के अंदर जो चेंजिंग आ रही है वो इस मार्क्स के अंदर भी आएगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मेमोरी शेयर्ड है। तो हमने क्या किया है, मेमोरी शेयर वाला प्रॉब्लम ही खत्म कर दिया। हमने इसको एक पहले नई मेमोरी असाइन की है, जब इसको नई मेमोरी मिल गई है फिर हमने क्या किया है, फिर हमने इसको ये एक एक वैल्यू कॉपी की है उसके अंदर, उस मेमोरी के अंदर कॉपी की है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है जी सर? जी सर, ये जो इतनी डिटेल से मेमोरी के अंदर कॉपी करना होता ना, ये पहले इसको मेमोरी नहीं देना, फिर उसे जो है ना एक एक चीज कॉपी करना, इसको हम कहते हैं डीप कॉपी। लिए शशके वाला लफ्ज कौन सा होता है इस्तेमाल, डीप कॉपी। डीप कॉपी मतलब क्या, कि डीप में कॉपी कर रहे हैं हम, ऐसे ही वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में असाइन नहीं कर रहे, ठीक है। हम एक वेरिएबल को पहले मेमोरी दे रहे हैं, एक पॉइंटर को मेमोरी दे रहे हैं और फिर उसमें एक एक करके कॉपी कर रहे हैं। इसको हम लफ्ज, मैं आपको ऐसे नहीं कहूंगा कि आप एक नई मेमोरी बनाएं, ये करें वो करें, मैं आपको कहूंगा डीप कॉपी करो। डीप कॉपी का मतलब क्या होगा कि आप उसको नई मेमोरी दें पॉइंटर को और फिर उसे जो है ना वो सारा काम करें। बात समझ आई? बट अगर आप पहला वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो पहला वाला तरीका है ये, वाला तरीका, इस तरीके को बोलते हैं शैलो कॉपी। शैलो कॉपी का मतलब क्या है, शैलो कॉपी का मतलब होता है कि एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को असाइन कर दो। अब मसला ही ये है कि एक में दो पॉइंटर हैं बट दोनों मेमोरी सेम शेयर कर रहे हैं। जब मेमोरी सेम शेयर कर रहे हैं तो मसला क्या आएगा कि दोनों ही एक तरफ पॉइंट कर रहे होंगे और एक में अगर चेंजिंग करेंगे तो दूसरे में आएगी। तो नॉर्मली हम जो कॉपी पेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं शैलो कॉपी, और अगर हम उसको सही तरीके से करें मेमोरी वगैरह दे के तो उसको हम कहते हैं डीप कॉपी, ठीक है। तो आपको हमेशा जब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है या जब भी सेटर गेटर बनाना है इवन, तब आपको हमेशा डीप कॉपी करनी चाहिए, ठीक है ना, आपको शैलो कॉपी नहीं करनी चाहिए। आइडिया क्लियर हो गया कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या फर्क हुआ? यस सर, हो गया। यस सर। अच्छा, अब आपको जितने भी पॉइंटर हैं उन सबको जो है ना पहले इसको मेमोरी देनी चाहिए और फिर उसको वो लूप लगा के असाइन करना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज है कि आपको याद होगा कि डायनामिक मेमोरी जब भी बनाते हैं तो उसको हम डिलीट करते हैं, याद है ना आपको, जब भी हम एक डायनामिक मेमोरी बनाते हैं तो हमें उसको डिलीट करना पड़ता है। किसको याद नहीं है, सबको याद है, ठीक है, अभी मैंने दिखाया भी था। अब डायनामिक मेमोरी, हम क्लास में हमने ये इसको मेमोरी दे दी, हमने इसको दे दिया न्यू डबल और साइज, ठीक है, और फिर हमने एक लूप लगा के इसको जो है ना वो इंट आई इज इक्वल टू जीरो और इस तरह से फिर उसको जो है वो आई इज लेस देन साइज और आई प्लस प्लस, ठीक है, और फिर हमने क्या किया था कि मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स ऑफ आई इज इक्वल टू एम ऑफ आई, ऐसे कॉपी किया था। अब जाहिर सी बात है क्योंकि ये जो है वो एक आपकी डायनामिक मेमोरी है तो डायनामिक मेमोरी को हमेशा आपको डिलीट करना पड़ता है।
तो जाहिर सी बात है जब एक ऑब्जेक्ट कॉल होता है, ये ऑब्जेक्ट कॉल कब होगा, जब इसको कॉल करते हैं इधर, कंस्ट्रक्टर इसका कॉल होगा, और ये ऑब्जेक्ट खत्म कब होगा, जब ये ब्रैकेट आएगी। जैसे ये ब्रैकेट आई, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का, हर वेरिएबल का स्कोप कहां तक होता है, इस ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है। अब जैसे ही ये ब्रैकेट आएगी तो ये इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर क्या भला है? डिस्ट्रक्टर का मतलब है कि जैसे कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि मेमोरी देने वाला, तो डिस्ट्रक्टर का मतलब होता है मेमोरी खत्म करने वाला। अब मसला ये कि जो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं ना आपके, इंटीजर, फ्लोट वगैरह, उसकी मेमोरी तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो उसके लिए तो हमें डिस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर खुद डिस्ट्रक्टर एक बाय डिफॉल्ट बना देता है, वो चल जाता है। बट मसला ये कि जब हम पॉइंटर के थ्रू मेमोरी देते हैं ना, न्यू कीवर्ड के थ्रू, तो वो मेमोरी हमें डिस्ट्रक्टर के थ्रू डिलीट करनी पड़ती है। अब डिस्ट्रक्टर क्या भला है? डिस्ट्रक्टर अगेन कंस्ट्रक्टर की एक कंस्ट्रक्टर की तरह ही जो है ना एक फंक्शन है, उसको हमें अलग से कॉल नहीं करना पड़ता। जैसे कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल थोड़ी करना पड़ता है, बट डिस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है। कब कॉल होता है? जब उसकी जो स्कोप है ना खत्म हो जाता है। इस ऑब्जेक्ट का मैं अगर कहूँ, लेट सपोज मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को बनाता हूँ इस ब्रैकेट के अंदर, अगर आपसे मैं पूछूं कि यार ये ऑब्जेक्ट खत्म कब होगा, तो आप कहेंगे सर ये जो सी आउट आपने लिखा है नया वाला सी आउट हाई, इससे पहले ये खत्म हो जाएगा और फ्लोट के बाद जो ना ये शुरू होगा। इस ऑब्जेक्ट की जो मतलब एक्सपायरी है ना वो इधर से लेके इधर तक है। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करूंगा ना S1, ठीक है, तो ये एरर देगा। ये देखें एरर दे रहा है, क्योंकि ये S1 जो है ना ये इधर इसका स्कोप ही नहीं है। तो हर चीज का स्कोप जो है ना उसके ब्रेसेस के अंदर होता है। अच्छा, अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल तो आपको समझ में आ गई कि ब्रेसेस के बाद होगा, बट मसला ये है कि इसको लिखेंगे कैसे, इसको जो है वो उसको करने का तरीका क्या है। इसको तरीका ये है कि आप हेडर फाइल के अंदर एक जो है ना वो लगाते हैं इस तरह का साइन। ये साइन जो है ना टैब के ऊपर पड़ा होता है, टैब के ऊपर पड़ा होता है, इसको कहते हैं नॉट का साइन। और फिर आप उस क्लास का नाम लिखते हैं जो क्लास का नाम है, बस खत्म, ठीक है। अब आप इस डिस्ट्रक्टर को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? आपने देखा था कि जब मैं हेडर फाइल बनाता हूँ ना बाय डिफॉल्ट, तो वो ये बने होते हैं पहले से ही, बट आपको याद होगा ये मैंने डिलीट किए थे। मैंने आपको कहा था कि आपको बाद में बताऊंगा, तो ये मैं बाद में बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब इस डिस्ट्रक्टर का काम क्या है? इस डिस्ट्रक्टर का काम ये है कि जितनी भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की है ना हमने, उसको डिलीट करना। तो हमने कितनी एलोक की है? सिर्फ एक ही की है। सबसे पहले तो हमें चेक करना चाहिए, शायद हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल ही ना किया हो, शायद हमने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल ही ना किया हो। तो सबसे पहले हमें चेक करनी चाहिए कि मार्क्स के अंदर जो है, अगर तो नल नहीं पड़ा हुआ, अगर तो मार्क्स के अंदर नल नहीं पड़ा हुआ। नल नहीं पड़ा हुआ मतलब क्या है? नल नहीं पड़ा हुआ, नल पीटर नहीं पड़ा हुआ, इसका मतलब है कि मार्क्स किसी को पॉइंट कर रहा है। अगर मार्क्स किसी को पॉइंट कर रहा है तो उसको डिलीट कर दो, डिलीट मार्क्स। इससे क्या होगा कि वो अरे जो है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और ये कब होगा, ये मैं उसको चला के दिखाता हूं आपको कि ये काम कब होगा। इसको चलाते हैं पहले, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप इसको चलाते हैं। ओहो, ये सिस्टम पाथ लिखा हुआ है ना, इसलिए ये कभी चलेगा ही नहीं। तो पहले मैं सिस्टम पाथ खत्म कर देता हूँ, क्योंकि सिस्टम पाथ का मतलब है इसको रोक दो। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको पता है इधर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, ठीक है, ओके, रिटर्न आ गया। अब आप स्टेप इनटू करो। अब स्टेप इनटू किया, देखो यहाँ पे मैंने इसको कहीं भी कॉल नहीं किया, बट ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। ये क्या है? डिस्ट्रक्टर है। अब ये क्या करेगा? ये चेक करेगा कि इसके अंदर नल पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ तो ये इसको डिलीट कर देगा, क्योंकि हमने इसको मेमोरी दी हुई है ना, तो इसका मतलब है नल नहीं पड़ा हुआ इसके अंदर। इसको डिलीट करके तो ये बंद होके फिर वापस आ जाएगा। अब ये प्रोग्राम खत्म हो गया आपका। अगर आपने बाकियों को भी मेमोरी दी हुई है, FNM को भी मेमोरी दी हुई है, LNM को भी मेमोरी दी हुई है, तो आपको उसको भी डिलीट करना होगा। जितने भी आपने डायनामिक एलोकेशन की होती है उन सबको आपने डिस्ट्रक्टर के अंदर डिलीट करना होता है। बट काफी लोग बच्चे जो है ना वो एक गलत भी समझते हैं कि लेट सपोज रोल नंबर जो है ना उसके अंदर आपने लेट सपोज कुछ लिखा था, तो काफी लोग डिस्ट्रक्टर के अंदर आके उसको जीरो कर देते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। ये जो है ना ये मेमोरी ही खत्म हो जाती है, तो ये मेमोरी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो नॉर्मल वेरिएबल जो होते हैं उनकी मेमोरी तो ये खत्म कर देता है, बट जो बाकी चीजें हैं उनकी मेमोरी हमें खुद से खत्म करनी पड़ती है, जो न्यू के थ्रू हम असाइन करते हैं। अब हमें क्योंकि FNM भी एक पॉइंटर था, तो हमें इसको भी मेमोरी जो है ना इसके अंदर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के अंदर और इधर भी। इधर आप डीप कॉपी कैसे करोगे? इधर आप ऐसे करोगे, सबसे पहले यही काम करोगे,
इधर भी डीप कॉपी करने के लिए हमें यही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा जो डीप कॉपी की है ना हमने, कि पहले से साइज देनी पड़ेगी और ये साइज कहाँ से आएगी, obj डॉट साइज, और ये क्या होगा obj डॉट m, ठीक है, और इधर भी obj डॉट साइज, ये साइज तो उधर पास ही नहीं हो रही, खैर ये साइज का एट्रीब्यूट जो ना हमें इधर अलग से लिखना चाहिए था कि हम ना साइज पास कर रहे हैं ताकि जो है ना ये फिर कंफ्यूज ना करे। खैर पर कहने का मतलब ये कि इसको भी लिखने का तरीका जो है ना वो ऐसे ही है, ठीक है ना, कि आपको साइज लिखनी पड़ेगी और इसे इस तरह से डीप कॉपी करनी पड़ेगी, तो इसको कहते हैं डीप कॉपी। तो आज हमने पढ़ा क्या है, हमने ये पढ़ा है कि आपके पास एक पॉइंटर, दो पॉइंटर हैं, अगर आप एक दोनों को एक जगह पे पॉइंट करवाओगे तो उसमें मसला आएगा, क्योंकि एक मेमोरी में चेंज होगी तो अल्टीमेटली दूसरे में भी वही दिखने में आएगी। तो इसके लिए मैंने आपको डीप कॉपी का तरीका बताया है और आपको मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात बताई है, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर, डीप कॉपी, शेलो कॉपी, ये चीजें आज हमने कवर की हैं, ठीक है ना। सो इसमें किसी को इशू हो, कोई मसले मसाइल हो तो बता दे, मैं एक मिनट जल्दी जल्दी अटेंडेंस लगा देता हूँ। उसामा एब्सेंट, अदनान ओके, अपना नाम देख के प्लीज जल्दी बता दें। राक्षी मुनीब प्रेजेंट सर, मुनीब प्रेजेंट सर, आफाक उजैर, उमर सोहेल प्रेजेंट सर, अच्छा लाइबा, लाइबा मेरे घर में थी पर पता नहीं आवाज नहीं दे रही, उजैर शायद प्रेजेंट, अच्छा लाइबा नहीं है, शेजोर प्रेजेंट सर, उस्मान प्रेजेंट सर, उसामा, उस्मान हमीद प्रेजेंट सर, अकदास, अरे अकदास प्रेजेंट सर, अकदस नाम है सर, अकदस सॉरी अकदस, ज़ैनब प्रेजेंट सर, निशा है प्रेजेंट सर, हुज़ैफ़ा प्रेजेंट सर, प्रेजेंट, वासिफ, वासिफ, वकास, वासिफ नहीं सर, सर वकास प्रेजेंट, ओके एमआर सर, वासिफ प्रेजेंट सर, एमआर की, एमआर का नेट का प्रॉब्लम है लेकिन वो क्लास में था पहले, ठीक है चलो जी, अमार भी प्रेजेंट है, अमार के बाद है शर्जील, ताहिर, उस्मान, अमीर, उस्मान अमीर भी नहीं है, और उसके बाद शाबी, उसके बाद अंसर रिजवी प्रेजेंट सर, हाफिज, हाफिज तुरप प्रेजेंट सर, असीब प्रेजेंट सर, मतीन, मतीन, मतीन नहीं, उसके बाद हादी प्रेजेंट सर, प्रेजेंट, जाहिद मुनीर प्रेजेंट सर, शावेस नहीं है, ठीक है जी, कोई बच्चा है जिसकी एब्सेंट लगी हो, ताहिर सर, ताहिर, और कोई बच्चा, क्लास टाइम इज ओवर, ओके भाई जब जिसकी एब्सेंट है वो एब्सेंट ही होगी, ओके अच्छा एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, वो ये है कि ये मैं नोट कर रहा हूँ काफ़ी बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, तो अगर तो यही आपका नेक्स्ट वीक में चलता रहा तो फिर मुझे आपकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी, तो प्लीज़ जो बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे तो वो फिर रेगुलर होना शुरू हो जाएं जी, और कोई मसले मसाइल, अच्छा असाइनमेंट जो है वो अब नहीं हो पाई डिस्कस, खैर मैं कल आपके साथ असाइनमेंट डिस्कस करूँगा मज़ीद, अगर तो ज़रूरत पड़ी तो फिर टाइम हम इसका थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे,
बट ये है कि असाइनमेंट की तैयारी करें. कल मेरे पास नया टॉपिक कोई नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा कि नया टॉपिक आपको ना पढ़ाऊं. इसी पे ही जो है एक आपका क्विज भी होगा जो आज मैंने पढ़ाया है, और एक जो है ना मैं इंशाल्लाह असाइनमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस जो है ना मैं करूंगा. ये कि असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा नहीं सारे, बट ये है कि जितनी भी चीज़ें उसमें होंगी पॉसिबल हिंट्स वगैरह दे दूंगा. ज़रूरत पड़ी तो एक कोई क्वेश्चन कर लेंगे अगर आपने मुझे पहले बता दिया होगा कि सर मुझे इस प्रॉब्लम में बहुत मसला आ रहा है. तो उसके अलावा कोई और इशू हो आपको कोई तो प्लीज़ मुझे बता दें. जी आप मुझे बता सकते हैं कि कोई है बच्चा जिसका आंसर शायद लग गई इसकी. अच्छा कोई बच्चा है जिसने वो जिसका कोई मसला आ रहा था लैब शेप का. बाकी बच्चे जा सकते हैं जो जिनके मसले हैं वो मुझे पूछ लें. बच्चा कोई बता रहा था कि उसके लैब का कोई इशू है. सर मेरी एक ग्रेडेड लैब नहीं है भाई. आपकी लैब ग्रेडेड क्यों नहीं है? सर वो लेट रजिस्ट्रेशन हुई है, उन्होंने नाम ही नहीं मेरा ऐड किया हुआ था. नहीं आपकी आपका नाम क्या है? सर अली अकदस. अली अकदस आप ये कल परसों में हुए हैं ऐड? जी जी सर मैंने आपको मैसेज भी किया था. ठीक हो गया सही है बस ठीक है. आप अली अकदस जो है ना मुझे मंडे के दिन याद करवाइएगा, फिर हम देखते हैं आपके लिए या तो कोई अलग से हम अरेंजमेंट कर लेंगे या किसी जो है ना लैब से कोई एवरेज लेके कुछ कर लेंगे ऐसा. ठीक है सर वो मैंने लैब्स की हुई या तीन कर ली थी, क्लास पार्टिसिपेशन रह गया वो हम अभी करके आपको ना ईमेल कर. तो बेटा आपने लैब्स लैब इंस्ट्रक्टर को भेजनी है और आपकी लैब आज सबमिट फॉर अप्रूवल हो जाएंगी, तो आप जल्द से जल्द लैब इंस्ट्रक्टर को भेज दें और मुझे सीसी में रख दें. आप ईमेल कर दें नागेश को जो है ना वो सीसी में रखें और टू में रखें, मुझे सीसी में रख दें. ठीक है ना कि ये लैब एक्सेप्ट कर लें एज पर डिस्कशन विद सर सुनील, ये लैब मेरी एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद क्लास एक्टिविटी मुझे भेज दीजिएगा. बट ये कि आज के दिन ही कीजिएगा क्योंकि मैं नंबर फिर लॉक कर दूंगा. ठीक है सर आज मैं इंशाल्लाह रात तक कर दूंगा आपको. कोशिश करो ना कि जल्द से जल्द करो. ठीक है और कोई बच्चा? सही है क्विज कब है? क्विज बेटा कल होगा. कॉपी में अभी जी क्या कह रही है? सर मुझे डीप कॉपी में अभी भी एक कंफ्यूजन है. क्या कंफ्यूजन है शाबाश? सर जिस तरह हम लोग पहले बिना फॉर एग्जांपल एक फंक्शन के अंदर एक अरे हम लोग यूज कर रहे हैं मेन से, लेकिन वो कभी डालने नहीं होता था क्योंकि फंक्शन की मेमोरी तो होती ही टेंपरेरी है. तो जब हमने उसका फंक्शन खत्म हो गया तो फिर हम उस अरे को सिर्फ एक मिनट देखें आप मेमोरी समझें. मुझे ये बताएं कि ये जो अरे बनाई हमने ठीक है इसकी मेमोरी फर्ज करें ये वाली है, ये मेमोरी अरे की ठीक है. अच्छा ये वाली मेमोरी इसके अरे की है ठीक है. अच्छा अब जब मैंने इधर लिखा है लेट सपोज m, इसका मतलब क्या हुआ? ये m तो खत्म हो जाएगा, ये m तो आपका खत्म हो जाएगा, बट ये m क्या है? m एक नई अरे नहीं बनेगी, m एक पॉइंटर बनेगा जो इस अरे को पॉइंट करेगा. ठीक है सही है, ये तो मसला नहीं है. इसका मतलब है कि m एक टेम्पररी नाम था जो इसको पॉइंट कर रहा था. ठीक है अब फर्ज करो हमने क्या किया, हमने ये काम नहीं किया, हमने सिर्फ इसमें m रख दिया. अब ये क्या मार्क्स क्या करेगा? मार्क्स भी उसको पॉइंट करने लग जाएगा. ये मार्क्स जो था ना ये भी उसे पॉइंट कर रहा है, इसको ही पॉइंट कर रहा है. ठीक है इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है. अब जैसे ही हम कंस्ट्रक्टर से बाहर आए ये m आपका डिलीट हो जाएगा, ये m खत्म हो गया. जी बिल्कुल. बट क्या मेमोरी डिलीट होगी? नहीं मेमोरी तो डिलीट नहीं होगी. ठीक है अब मसला क्या हुआ? वो तो चला गया बट हमारा बेड़ा गर्क कर गया. कैसे? कि भाई ये जो इसको जिसको अरे पॉइंट कर रहा था और एम पॉइंट कर रहा था और अब एम पॉइंट कर रहा है, तो ये तो काम खराब हो गया क्योंकि ये मेमोरी को तो अब मार्क्स पॉइंट कर रहा है. अब अगर हमने इसमें कोई चेंजिंग की तो इधर भी चेंजिंग हो जाएगी. बिल्कुल मतलब कि प्रीवियस वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी. ठीक है ना प्रीवियस वैल्यू जो है वो लॉस हो जाएगी, जाहिर सी बात है. तो अब काम खराब है कि ये दोनों जो है ना ये एम ये मार्क्स आपकी बात ठीक है ये एम डिलीट हो जाएगा बट इसकी जो जिस मेमोरी को ये पॉइंट कर रहा था ना अब यहाँ पे असल में समझने की जो चीज है ना वो मेमोरी है, मेमोरी डिलीट नहीं हो रही. ठीक है ना इसकी मेमोरी डिलीट हो जाएगी ये क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट पॉइंटर है ना ये तो डिलीट हो जाएगा बट जिसको ये पॉइंट कर रहा था उसकी मेमोरी कहाँ बनी है? मैन के अंदर बनी हुई है. ये मेमोरी कहाँ बनी हुई है? मैन के अंदर बनी हुई है. जब ये मैन खत्म होगा तब इस अरे की मेमोरी खत्म होगी. बात समझ रहे हैं? तो अब इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है. तो उस चीज को हैंडल करने के लिए हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि यार ऐसा ना करो, आप इधर क्या करो पहले इसको मेमोरी दो और फिर इसमें डीप कॉपी करवाओ. डीप कॉपी मतलब कि एक एक वैल्यू को कॉपी करवाओ, ये तरीका. हाँ जी ठीक है. ठीक है जी. और कोई बच्चा कोई मसला?
कल क्विज के लिए तैयारी कीजिएगा, तो बस उसके बाद वैसे जो है वो कोई और कोई क्वेश्चन अगर आपके नहीं है तो फिर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ।